हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड इंस्टाग्राम में दूसरे का स्टोरी आप कैसे लगा सकते हैं अपने स्टोरी में। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है, इसे लगाने के लिए आपको फ्रेंड करना कुछ नहीं है, बस फ्रेंड आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और फ्रेंड आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। और फ्रेंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से दूसरे का स्टोरी को इंस्टाग्राम में अपने स्टोरी में लगाया जाता है। तो फ्रेंड बने रहे इस वीडियो में। तो फ्रेंड मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड इसे करने के लिए चलते हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। तो इसे करने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो ये आपका इंस्टाग्राम कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ ऊपर में स्टोरी है। और फ्रेंड आपको जिसका स्टोरी अपने स्टोरी में लगाना है फ्रेंड आपको उसका स्टोरी को खोलना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं मनोज दे का ये स्टोरी है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसे किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको करना कुछ नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे है कोने में 3 डॉट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं आ जाएगा पॉपअप, और उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है कॉपी लिंक, तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ से इस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से बैक चले आना है। और बैक आ जाने के बाद फ्रेंड आपको चले जाना है कोई सा भी ब्राउज़र में। तो फ्रेंड मैं क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ, आपको भी कोई ब्राउज़र में चले जाना है। और क्रोम ब्राउज़र में जाके फ्रेंड आपको सर्च बार में सर्च करना है स्टोरी डाउनलोड इंस्टाग्राम, तो ये सर्च कर लेना है। और फ्रेंड आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और तो फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में जो वेबसाइट आया है सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम, तो फ्रेंड आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड जो अभी इंस्टाग्राम में लिंक को कॉपी किया था आपको इसके ऊपर टैप करके इसमें पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कर देने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से देख रहे हैं डाउनलोड, तो आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने देख रहे हैं आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको टिक कर लेना है। और टिक कर लेने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे ही आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो फ्रेंड देख रहे हैं आ गया है मनोज दे। तो फ्रेंड अभी हमने इंस्टाग्राम में मनोज दे के लिंक को कॉपी किया था वीडियो का, तो आ गया है उसका वीडियो सारा, देख रहे हैं यहाँ पे वो सारा वीडियो आ गया है जो मनोज दे ने लगाया है अपने स्टोरी में, तो यहाँ से आ गया है सारा वीडियो। और फ्रेंड आपको जिस वीडियो को डाउनलोड करना है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड मैं अभी आपको एक डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने ये वीडियो जो है आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, देख रहे हैं तो फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे है 3 डॉट, तो आपको सिंपली 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा, और फ्रेंड आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो डाउनलोड हो गया है। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको चले जाना है अपने इंस्टाग्राम में। और अब फ्रेंड आपको स्टोरी को लगाने के लिए आपको करना क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर स्टोरी, तो आपको सिंपली योर स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही योर स्टोरी के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने ये स्टोरी आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ से ये एरो के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, और फ्रेंड आप यहाँ से जहाँ चाहे शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ से इसको शेयर करके इसको डन कर देना है, और जैसे ही डन कीजिएगा तो फ्रेंड ये स्टोरी जो है आपका लग जाएगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये स्टोरी जो हमारा है इस तरह से पोस्टिंग हो रहा है। तो फ्रेंड इसी तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम में किसी दूसरे का भी स्टोरी को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये स्टोरी हमारा लग गया है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में दूसरे का भी स्टोरी को लगाया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।